students and welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. I am Surbhi Sardana and today we are discussing a very important topic regarding technical textiles. See, technical textiles, they have gained importance. इनकी जो importance है पिछले कुछ सालों में बढ़ गई है. तो India क्या चाह रहा है? India चाह रहा है कि हमारा भी जो production है technical textiles का जो production है global level पर, India का भी बढ़ जाए. इसके अलावा production बढ़ाने के अलावा market share बढ़ाने की बात हो रही है. तीसरी चीज़ जो बात हो रही है, जो कि हमें recently news में देखने को मिली, वो है quality control orders. जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं या जो रॉ मटेरियल्स इंडिया में यूज़ होते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑर्डर्स जारी किए गए हैं. अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले भी आपके जो बाकी रॉ फाइबर्स हैं उनके रिगार्डिंग कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, ताकि जो चाइना से डम्प्ड गुड्स आते हैं या लो क्वालिटी के फैब्रिक्स प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में बिकॉज रॉ मटेरियल अच्छा नहीं होता, तो उनका उनको कंट्रोल करने के लिए. तो अब जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज़ अनाउंस्ड 2 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स फॉर 31 टेक्निकल टेक्सटाइल आइटम्स विच इंक्लूड 19 जियो टेक्सटाइल्स एंड 12 प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स. तो आप अगर देख सकते हैं कि जियो टेक्सटाइल्स या प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स, यानी कि ये जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स के टाइप्स हैं, इनके लिए, इनके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स जारी किए हैं. थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स क्या हैं और इनका पर्पस क्या होता है और अभी क्यों ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पास किए गए हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स को हम डिटेल में कैसे पढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स क्या हैं, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है या क्या पॉलिसीज या स्कीम्स लाई है हमारी गवर्नमेंट ताकि इनकी प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ाया जा सके. सो यस, पहली बात, ये जो एडवाइजरी, ये जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आए हैं, ये पहली बार आए हैं. फर्स्ट एवर टेक्निकल रेगुलेशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन द कंट्री. इससे पहले कोई भी टेक्निकल रेगुलेशन टेक्निकल टेक्सटाइल्स के रिगार्डिंग नहीं आई थी, क्योंकि एक इमर्जिंग सेक्टर है. टेक्निकल टेक्सटाइल्स की समझ काफ़ी लोगों को नहीं है. अभी काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जिनको फंडिंग दी जा रही है, तो एकदम से इमर्जिंग सेक्टर है, तो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आना काफ़ी सरप्राइजिंग है. तो अभी मिनिस्ट्री अभी 2 और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लाने की बात कर रही है, जिसमें 22 एग्रो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल जिनका एग्रीकल्चर में काम होता है, एंड 6 मेडिकल टेक्सटाइल आइटम्स, जिन ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल जिनका मेडिकल इंडस्ट्री में काम होता है, वो सब कवर किया जाएगा. सो रिसेंटली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स वर इंट्रोड्यूस फॉर फाइबर्स सच एज कॉटन, पॉलिस्टर, विस्कॉस. ये कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो आपकी नेचुरल फाइबर्स या जैसे कॉटन हो गया, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल फाइबर्स हैं पॉलिस्टर, विस्कॉस, ये जो बेसिक रॉ मटेरियल का काम करती हैं आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसके लिए भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स कुछ दिन पहले टेक्सटाइल मिनिस्ट्री लेकर आई है. तो बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग इतने सारे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स ला क्यों रहे हैं एक के बाद एक. तो बेसिकली जानते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर होता क्या है और कब एक कंट्री इसको इम्पोज करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपको नाम से पता लग जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्या है, बेसिकली इट इज़ टू कंट्रोल द इम्पोर्ट ऑफ सब क्वालिटी एंड चीपर आइटम्स. जो आपकी कम क्वालिटी वाली या घटिया क्वालिटी वाली जो आइटम्स आ रही हैं, उनकी उनके इम्पोर्ट को कंट्रोल करना कि आपकी कंट्री में वो आइटम्स ना आए, टू इंश्योर दैट कस्टमर्स गेट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ताकि कस्टमर्स के पास अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों. क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इशू कोई भी मिनिस्ट्री कर सकती है, और उसको पावर्स कहाँ से मिलती हैं? दे आर इशूड बाई वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कॉन्फर्ड बाई सेक्शन 16 ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016. तो आपका जो BIS एक्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 2016 है, जो कि पिछले वाले एक्ट को अमेंड करके बनाया गया था, उसके अंडर काफ़ी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो अपने प्रोडक्ट्स, जो भी वो रेगुलेट कर रही हैं मार्केट में, उनकी क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, ताकि कस्टमर्स को अच्छे गुड्स मिले, इस एक्ट के अंडर सेक्शन 16 वो काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, स्टिप्यूलेटिंग कन्फॉर्मिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स टू इंडियन स्टैंडर्ड्स. सो यस, अब इसमें इंडिया का स्टैंड क्यों है? अब देखिए, इतना क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स अगर हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल्स के लिए लागू कर रहे हैं, तो आपको पता है हमारे जो टेक्सटाइल्स हैं या उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट आता है, बांग्लादेश से आता है. बांग्लादेश में कहाँ से आता है? चाइना से आता है. तो चाइना क्या करता है, चाइना या काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ क्या करती है कि उनके पास जो कम क्वालिटी वाले या जो प्रोडक्ट्स ऐसे अच्छे नहीं होते या जिनका बहुत ही घटिया क्वालिटी होती है, वो इंडिया में डंप करने की कोशिश करते हैं. डंप करने की कोशिश करते हैं मतलब इतने कम दामों पर एक्सपोर्ट करते हैं, इतने कम दामों पर इंडिया में बेचा जाता है कि
काफ़ी लोग एक्चुअली कन्विंस हो जाते हैं, उनको काफ़ी लुक्रेटिव लगता है ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करना, क्योंकि ये बहुत सस्ते मिलते हैं, बहुत सस्ते फाइबर्स मिलते हैं। बट उससे नुकसान क्या होता है कि आपकी जो एक्चुअल टेक्सटाइल्स जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इंडिया में, उनकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है, तो वो मार्केट में आगे जाकर काफ़ी टाइम बहुत टाइम तक कम्पीट ही नहीं कर पाते। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एंटी डंपिंग, ये डंपिंग को कंट्रोल करने के लिए या क्वालिटी ऑफ इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लेकर आ रही है, ताकि हमारे जो टेक्सटाइल्स की क्वालिटी है वो बढ़े और हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग कंपीट कर सके। सो ऑल ऑर्डर्स आर इन लाइन विद WTO नॉर्म्स, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंटरनेशनल ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड या उसकी जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी लॉज हैं, वो आपका कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो WTO नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है सारे जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं। इंडिया हैज़ द राइट टू इम्पोज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही इम्पोज करते हैं, सारी कंट्रीज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स इम्पोज करती है, सिंस दे आर फर्स्ट अप्लाइड इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड देन ऑन इम्पोर्ट्स। ऐसे कोई भी जब ऑर्डर्स लागू किए जाते हैं तो होता है कि आप बायस नहीं करेंगे, आप अपनी जो कंट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है या जो आपकी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, आप दोनों में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। इन अ वे जो आपकी कंट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको आप ज़्यादा सपोर्ट नहीं देंगे, जब हम WTO के एम्बिट के अंडर आ जाते हैं कि आप फ्री ट्रेड को आप मोटिवेट करेंगे। तो अभी क्या कहा गया है कि जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं सिर्फ आपके इंटरनेशनल इम्पोर्ट्स के लिए नहीं डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी इशू किए गए हैं। सो ऑब्वियसली इट इज़ इन लाइन विद WTO नॉर्म्स। और रैशनेल या इसका जो रीज़न है वो क्या है, curb the dumping of cheap products from China and to address the widening trade deficit which is nearly 40% of the total deficit। अगर ये जो cheap products हैं आपके Indian manufacturers जो है ये buy करना कम कर देते हैं, तो आपका एक तो trade deficit कम होगा, secondly जो आपका quality of textiles है जो कि आप अपनी country में produce कर रहे हैं वो बहुत अच्छा हो जाएगा with time। So yes, अब हम लोग शुरू करेंगे technical textiles, but इसके लिए quality control orders की एक डाउन साइड भी जानने की ज़रूरत है। देखिए, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि चीप रॉ मटेरियल पे डिपेंड करते हैं ताकि वो टेक्सटाइल्स या फैब्रिक्स बना सके और उनको सस्ते दामों में बेच सके। अगर वो चीप टेक्सटाइल्स उनके पास अवेलेबल नहीं है या चीप रॉ मटेरियल्स अब उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो इकॉनमी काफ़ी लोगों का लाइवलीहुड, हमारी इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर सकती है। तो इसीलिए जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स है इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डिफरेंट क्लासेज ऑफ सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मैनुफैक्चरर्स को कितना नुकसान होगा, तो इस वजह से एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना जा रहा है, तभी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हो रही है। नाउ वट आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, अब अगर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स आए हैं और टेक्निकल टेक्सटाइल्स फिर से न्यूज़ में आए हैं, तो हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल समझ लेते हैं। और टेक्निकल टेक्सटाइल समझने के साथ साथ हम क्या करेंगे, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड आए हैं पिछले कुछ सालों में जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो भी कवर करेंगे। सो टेक्निकल टेक्सटाइल्स दे आर बेसिकली फंक्शनल फैब्रिक्स। टेक्निकल टेक्सटाइल्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहनने के ही काम आते हैं, बहुत सारे फंक्शनल रोल्स होते हैं इनके जो कि ये प्ले कर सकते हैं, हम अगली स्लाइड में एक बार इमेज देखेंगे। सो एप्लीकेशंस बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है। 12 टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। आपका एग्रोटेक यानी कि ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल जिनका एग्रीकल्चर में काम है, मेडिटेक जिनका मेडिकल इंडस्ट्री में काम है, बिल्ड टेक जिनका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम है, मोबाइल टेक कि आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें जिनका रोल है, क्लॉथ टेक ऑब्वियसली जो क्लोदिंग फैब्रिक जो भी आपके गारमेंट्स होते हैं, इको टेक, जियो टेक, पैक टेक, होम टेक, प्रोटेक, इंडियो टेक एंड स्पोर्ट टेक, दीज आर द 12 आइडेंटिफाइड टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट्स। जो आपका मोबाइल टेक है, मोबाइल टेक, इट रेफर्स टू प्रोडक्ट्स इन व्हीकल्स, जैसे आपकी सीट बेल्ट हो गए, आपके सीट के कवर्स हो गए, तो वो जो आपका फैब्रिक यूज़ हो रहा है वो एक टेक्निकल टेक्सटाइल है जो कि इंडस्ट्री में बनाया गया है बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से या कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी से, तो इसी वजह से हम उनको टेक्निकल टेक्सटाइल्स बोल देते हैं, ना कि सिर्फ आपकी सीट बेल्ट या सीट के कवर्स, जो आपके एयरबैग्स होते हैं और जो आपकी एरोप्लेन की सीट्स होती हैं। जियोटेक में आ जाता है आपका जो ऐसी चीज़ें जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप जियोटेक की बात करते हैं, जियो हम लोग अर्थ से एसोसिएट करते हैं, तो
कहीं पर भी आपने सॉइल को होल्ड करके रखना है। काफ़ी जगह होता है कि हिली रीजन से, हिली एरिया से आप पहाड़ काट कर आप रोड या हाईवे बनाते हैं, तो आसपास क्या होता है, जो पहाड़ आपने कट किया होता है आसपास से लैंडस्लाइड का डर रहता है। तो काफ़ी ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स आते हैं कि अगर आप उस हिल को जो कि अभी फ्रेशली कट की गई है उसको आप टेक्निकल टेक्सटाइल से कवर कर दीजिए, तो उसके बाद लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो कम हो जाता है, प्लस सॉइल इरोजन बहुत कम होता है। तो जियोटेक में काफ़ी ज़्यादा यूजेज आ रहे हैं टेक्निकल टेक्सटाइल्स के। यस, आई विल ज़ूम दिस फॉर यू सो दैट यू हैव एन आइडिया कि एग्रोटेक हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल कीपिंग में यूज़ हो सकता है। बेसिकली जितने भी टाइप के आपके नए मटेरियल्स आ रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, बिल्डिंग्स में हो, आपके क्लॉथ्स, गारमेंट्स या शूज़ में हो, आपने देखा होगा आपके पास ऐसे भी टेक्सटाइल्स आ रहे हैं, ऐसी शर्ट्स आ रही हैं जो कि आपको यूवी प्रोटेक्शन देती हैं, अल्ट्रावायलेट रेस से आपको प्रोटेक्ट करती हैं, या स्वेट फ्री शर्ट्स आती हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि ऐसे टेक्सटाइल्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं। सो यस, नाउ टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इंडिया का शेयर क्या है या किस कंट्री का कितना ज़्यादा शेयर है, क्योंकि ऑब्वियसली अपकमिंग इंडस्ट्री है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस हैं। तो द बिगेस्ट प्लेयर्स आर ऑब्वियसली द वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना उनके साथ हमेशा कम्पीट करता है। द बिगेस्ट प्लेयर्स आर USA, वेस्टर्न यूरोप, चाइना एंड जापान। वेस्टर्न यूरोप आपका बहुत ज़्यादा रिच और इन्फ्लुएंशियल है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न यूरोप जो कि रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। सो USA, वेस्टर्न यूरोप, चाइना एंड जापान, इनका जो शेयर है 20-40% है। इंडिया का जो शेयर है 8% शेयर है। विद $40 बिलियन इन दिस मार्केट, तो हम लोग क्या हैं, हम अस्पायरिंग प्लेयर हैं। बट यहाँ पर चीज़ क्या है, हमारे पास हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, तो टेक्निकल टेक्सटाइल से भी हम लोग ईजिली शिफ्ट कर सकते हैं उसमें। ये भी हमारे लिए इमर्जिंग मार्केट या इमर्जिंग जॉब्स का रोल प्ले कर सकती है जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो इंडिया ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया है कि हमने जो अपना मार्केट शेयर है टेक्निकल टेक्सटाइल्स में वो हमने इंक्रीज़ करना है। तो इसीलिए आपका जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने 2021 में ही एक नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन अप्रूव कर दिया था। आउटले बहुत ही छोटा सा था, जो बजट एलोकेशन था दैट वॉज जस्ट ₹1480 करोड़, बट टू स्टार्ट अ स्कीम दैट वॉज अ गुड अमाउंट। सो एक चीज़ याद रखनी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने फाइनली अप्रूवल दिया था एंड द मिशन इज नोन एज नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। तो इसके काफ़ी तीन चार ऑब्जेक्टिव्स हैं, तीन चार कॉम्पोनेंट्स हैं, बहुत ही सिंपल है। ऑब्वियसली अगर आप कोई भी मिशन लॉन्च कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, पहली चीज़ अगर वो मिशन है तो मतलब आप प्रोडक्शन किसी चीज़ की बढ़ाना चाह रहे हैं, एकदम लार्ज स्केल पे आप कुछ करना चाह रहे हैं। अगर आप इतना लार्ज स्केल पे करते हैं ऑब्वियसली आप एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। अगर आपको इतना कुछ लार्ज स्केल पे करना है, आपको रिसर्च भी चाहिए, आपको डेवलपमेंट भी चाहिए, आपको स्किल ट्रेनिंग भी चाहिए, तो वही चार कॉम्पोनेंट्स हो जाते हैं, यही आपको मेंस में लिख कर आना होता है किसी भी पॉलिसी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, दिस इज़ वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट। तीसरा क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। पहले आप रिसर्च, इनोवेशन एंड डेवलपमेंट करेंगे, आप नए टाइप के टेक्निकल टेक्सटाइल्स बनाएंगे, नई टाइप के ना भी हों, जो ओल्डर टाइप्स ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स अवेलेबल इन मार्केट है, आप उनको, उनके ऊपर रिसर्च करके उनकी डेवलपमेंट करेंगे, थोड़ा सा इनोवेशन लाएंगे। सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या होगा, प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट की एक डेवलपमेंट की जाएगी। थर्ड वन इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन, ताकि ऑब्वियसली यू कैन अर्न आउट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स, एंड एजुकेशन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, या आपको लॉन्ग रन में एजुकेशन ट्रेनिंग या जो स्किल डेवलपमेंट है आपकी जो इंडस्ट्री को है, स्किल ही सस्टेन कर पाता है इन द लॉन्ग रन। तो वो हम कैसे इम्पार्ट कर रहे हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, ये डायरेक्टली इन पैरेलल तीनों चीज़ें चलेंगी। सो यस, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिटेल में है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या किया जाएगा, encourage technological startups and innovation. Obviously, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते कोई अगर टेक्निकल टेक्सटाइल जैसी चीज़, कोई अपकमिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग चीज़ है, तो आप क्या करेंगे, यूल encourage technological startups and innovation, ऐसे startups जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उनको encourage किया जाएगा, फंडिंग दी जाएगी, लोन्स दिए जाएंगे, प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग टू एटलीस्ट 50,000 पीपल, सो दैट इज़ अ बिग टारगेट कि आपके पास 50,000 पीपल एटलीस्ट एट हैंड अवेलेबल रहेंगे इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। देन डेवलप हायर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अब इसमें क्या है, अगर आप हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इस स्ट्रीम को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये डायरेक्टली इंप्लॉयबल हो जाएंगी, ये लोग वॉट एवर यू नो लैब्स दे आर अटेंडिंग, वॉट एवर स्किल्स दे आर लर्निंग, दिल बी डायरेक्टली इंप्लॉयबल इन द मार्केट। और इंडियन हायर एजुकेशन के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि लोग डिग्रीज तो करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इंप्लॉयबल इन द मार्केट। सो इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द हायर एजुकेशनल थिंग।
इंकरेज फंडामेंटल रिसर्च एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स, जो आपके जियो टेक्सटाइल्स हो गए, जैसे हमने लैंडस्लाइड वाला केस पढ़ा, एग्रो टेक्सटाइल्स हो गए, मेडिकल टेक्सटाइल्स हो गए, आपके ग्लव्स हैं, आपके रेडिएशन प्रोटेक्टेड कोट्स हैं, एनीथिंग लाइक दैट यूज इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इक्विपमेंट, स्पेस मिशंस एक्सेट्रा. तो ये आपके मेजर ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे इस स्कीम के. सो यस, इसका एम क्या रहेगा? एम यही रहेगा कि जो आपकी कंट्री है बहुत बड़ा एक मेजर एक्सपोर्टर कंट्री बन जाए टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव बिकते हैं मार्केट में. तो अगर आप अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करके आप इनको सेल ऑफ कर सकते हैं एट अ ग्लोबल लेवल टू अदर कंट्रीज, तो काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे. सो टू पोजिशन द कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स, इंक्रीज द यूज़ ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल्स इन द डोमेस्टिक मार्केट. अगर डोमेस्टिक मार्केट में भी यूसेज ज़्यादा है, ऑब्वियसली आप तभी इंडस्ट्री अपनी सस्टेन कर सकते हैं. थर्डली, टेकिंग द डोमेस्टिक मार्केट साइज फ्रॉम $40 billion टू $50 billion बाई 2024, दैट इज़ बाई नेक्स्ट ईयर. सो 2021 में आपका ये जो मिशन है वो लॉन्च हुआ है, 4 साल के लिए लॉन्च किया गया था, और 2024 में दिस विल एंड. तो इसका जो इसके कुछ 4 कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पर इस मिशन के, जो कि यहाँ से आपको MCQs पूछे जा सकते हैं कि जो 4 कॉम्पोनेंट्स हैं इस मिशन के या स्कीम के, जो कि आपको UPSC प्रिलिम्स में काफ़ी बार देखने को मिलता है, तो वो आपके यहाँ से कवर होते हैं. फर्स्ट कॉम्पोनेंट ऑब्वियसली आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और रिसर्च और डेवलपमेंट सिर्फ आपका टेक्निकल टेक्सटाइल में नहीं, आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसमें ही नहीं. मान लीजिए ऐसा कोई शर्ट है जो कि यूवी प्रोटेक्टेड है, तो सिर्फ उस शर्ट को बनाने में ही नहीं, पूरा फाइबर लेवल भी, फाइबर्स जो शर्ट को बनाने में लग रही हैं वो भी डेवलप करने का यहाँ पर बात की गई है. एंड मोर ओवर, बायोडिग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ऐसे जो कि पोल्यूशन कॉज ना करें, उनको डेवलप करने की बात की गई है. फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस मशीनरी एंड प्रोसेस इक्विपमेंट, क्योंकि इन द लॉन्ग रन अगर आपको अपनी जो इंडस्ट्री है पूरा डोमेस्टिक करना है, तो आप हमेशा इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते जो मशीनरी उन टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ हो रही है. तो आपको अपनी मशीनरी, इंडिजिनस मशीनरी डेवलप करनी पड़ेगी. द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज ऑब्वियसली प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स. खरीदार होने चाहिए, तभी इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन सस्टेन कर पाएगी. कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, आपकी गवर्नमेंट इनिशियल पुश उसको दे देती है, बजट आउटले दे दिया जाता है, आपके बजट में अनाउंस कर दिया जाता है कि हम इतना पैसा इस मिशन के लिए दे रहे हैं. इन द लॉन्ग रन उस नई टेक्नोलॉजी को मार्केट में कम्पीट करके अर्न करना पड़ता है, प्रॉफिट कमाना पड़ता है, ताकि वो इंडिपेंडेंट बन सके. गवर्नमेंट पूरा लाइफ टाइम के लिए किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं कर सकती. सो इट विल बी, द सेकेंड कॉम्पोनेंट विल बी प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स. ये अवेयरनेस जनरेशन से आएगा. थर्ड वन, फोकस ऑन एक्सपोर्ट प्रमोशन, नॉट जस्ट द डोमेस्टिक मार्केट, एक्सपोर्ट्स पर भी फोकस किया जाएगा. और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, दिस विल बी सेट अप देयर. फोर्थ कॉम्पोनेंट आपका है फोकस ऑन एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, सो दैट यू हैव पीपल अवेलेबल इन द कंट्री हु कैन वर्क इन दिस इंडस्ट्री. ऑल्सो देयर विल बी लेसर अनएम्प्लॉयमेंट, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट. सो यस, What are the initiatives related to technical textiles? See, initiatives को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपके बाकी टेक्सटाइल्स के लिए initiatives होते हैं वही आपके technical textiles में भी है, एक दो extra है, तो वो हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे. बट at least if you see this in your mains exam or prelims exam, mains में आने के ज़्यादा chances हैं, क्योंकि initiatives आपसे वहाँ पर ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो initiatives को हम थोड़ा सा देख लेते हैं. What are the initiatives? First of all, किसी भी production line को एफिशिएंट बनाने के लिए, उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए. सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर हैज़ ऑल्सो बीन स्टार्टेड टू प्रमोट वैल्यू मैनमेड फाइबर फैब्रिक्स, गारमेंट्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स. सेकेंड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर, HSN कोड्स बेसिकली आपके किसी भी टेक्सटाइल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं. आपका जो डेटा ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड अदर इंसेंटिव्स टू मैन्युफैक्चरर्स. जब आपका कोडिफाई हो जाता है कोई भी प्रोडक्ट, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग कोई भी पॉलिसी डिसीजंस लेने हैं, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट का डेटा देखना है, वो आपके लिए ज़्यादा आसान होता है. थर्डली, जो आपका FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट है, जिसके लिए गवर्नमेंट अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो 100% FDI टेक्निकल टेक्सटाइल्स में अलाउड है. फिर आपका ये होता है टेक्नोटेक्स इंडिया.
देखिए आपकी जो भी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो कोशिश करती रहती हैं कि कुछ ना कुछ सेमिनार्स या एग्जीबिशंस होती रहें, सेमिनार्स एग्जीबिशंस होती रहेंगी, लोग आएंगे, लोग देखेंगे, लोग जानेंगे कि क्या नई टेक्नोलॉजी है, हो सकता है वहाँ पे उनको चीपर रेट्स पर कुछ ऐसे टेक्निकल टेक्सटाइल्स देखने को मिल जाए, या उनके स्पेसिमेंस मिल जाएँ, या डेमोन्स्ट्रेशंस मिल जाएँ, कुछ स्टार्टअप्स को बुलाते हैं वो लोग, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, कुछ साइंटिस्ट या इंजीनियर्स को बुलाते हैं जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वैसा ही आपका टेक्नोटेक्स इंडिया नाम का एक इवेंट होता है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन कमर्स एंड इंडस्ट्री ये ऑर्गेनाइज करता है। तो इसमें वही आपके एग्जीबिशंस और सेमिनार्स वगैरह होते हैं जिसमें सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स से एसोसिएटेड हैं वो आते हैं, जनरल पब्लिक को बुलाया जाता है, काफ़ी सेमिनार्स होते हैं ताकि अवेयरनेस जनरेट की जा सके और लोग रोज़मर्रा में इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स को ज़्यादा यूज़ करें। देन यू हैव अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। आपकी जो ATUF स्कीम है बहुत सारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रही है टू इम्प्रूव एक्सपोर्ट्स एंड इनडायरेक्टली प्रमोट इन्वेस्टमेंट्स इन टेक्निकल मशीनरी। तो ये आपके 5 इनिशिएटिव्स हैं जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। आपका जो नेशनल मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तीनों लेवल्स के लिए, प्रिलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। सो यस, नाउ लेट्स सॉल्व एन MCQ रिगार्डिंग टेक्निकल टेक्सटाइल्स। जो हमने पूरा डिस्कशन किया है उसके बेसिस पर ही बहुत ही सिंपल सा MCQ है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली बात, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन विद एन आउटले ऑफ ₹1480 करोड़। इज दैट राइट और नॉट? सो यस, 1480 करोड़ का ही आउटले था और CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने ही अप्रूव किया है। सेकंडली, एन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, आई टोल्ड यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विल बी सेट अप टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। सो दैट इज द राइट स्टेटमेंट। थर्ड, द मिशन वुड हैव अ 4-year इंप्लीमेंटेशन पीरियड फ्रॉम फिस्कल ईयर 2020-21 टू 2023-24। सो यस, 24 में आपका जो मिशन है वो कंक्लूड हो रहा है। सो ऑल दी स्टेटमेंट्स your statements 1, 2, and 3, all of these are correct and your answer is D. So that's all for discussion for today. Stay tuned to our channel and keep working hard. All the very best for your journey.